सावन बीतो जाए पहरवा, सावन बीतो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मोसे बोले ना, मोरा सैया मोसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मोसे बोले ना, मोरा सैया मोसे बोले ना। थैंक यू सो मच। ओके जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। और क्या ऐसा चीता गाता है ये बंदा ना, सही बात है, सुरों की बारिश हो रही है। और जनाब अब वो लम्हात आ गए हैं, हुदा और एहसन आप भी एक बार गेयर थे कि आज हम क्या मेगा कॉल लेने वाले हैं। एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से, सेलिब्रिटी कॉल का, नॉक नॉक कौन है। और आज आई एम रियली ऑनर्ड कि अ ग्रेट सेलिब्रिटी, अ सुपरस्टार, अ ग्रेट फ्रेंड इमरान अब्बास आज हमारे साथ पहली बार। इमरान की मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि तुम मेरे शो में आज फर्स्ट टाइम एंट्री मार रहे हो। और आई विश कि इमरान हमारे शो में यहाँ पर होते, लेकिन वो भी आएंगे इंशाल्लाह, वादा तो मैंने पक्का कर लिया आपसे। तो आइए लेडीज एंड जेंटलमैन, टुवर्ड्स द मेगा अनाउंसमेंट, द सुपरस्टार इमरान अब्बास ऑफ पाकिस्तान, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है इजाज? आहा इमरान अब्बास, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। इमरान पहले तो एक बात कह दूं कि मोस्ट वेलकम टू एक कप चाय विद जैजी। थैंक यू सो मच, मैं भी इस कप में आना चाहता हूं। बस बहुत जल्द कभी आऊंगा इंशाल्लाह, बहुत जल्दी जब वक्त मिला मैं लाहौर आऊंगा तो जरूर आऊंगा आपके इस प्याली में, जरूर डूबूंगा मैं इंशाल्लाह। इमरान मुझे बताइए कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया गेयर्ड हो रही है, हुदा भी, एसएम भी, हम भी, कि इमरान अब्बास आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं और आज वो पहली बार किसी भी नेटवर्क पे एक मेगा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, गुड न्यूज देने जा रहे हैं। वो क्या है? पार्ट ऑफ द डील है जहाज, कोई अनाउंसमेंट नहीं करनी थी मैंने। तो बता दो फिर आज। हाँ, आई कैन गिव, डेफिनेटली गिव यू अ क्लू। मैं बस इंडिया में गया हुआ था फॉर माय फिल्म, एंड अब आप सब लोग जानते ही हैं कि मैं फिल्म कर रहा हूँ। हाँ। तो खैर यही मैंने बताना था कि फिल्म आने वाली है इंशाल्लाह मेरी और अक्षय कुमार की। वाओ। होपफुली आप लोग पसंद करेंगे और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत जल्दी आप लोग मुझे देखेंगे। अभी मेरी तीन फिल्म आ रही हैं, पहली फिल्म ये है, तो देखिएगा कैसा। मुझे पहले ये बताएं इमरान कि आपके साथ कुड़ी कौन आएगी है? यार अभी एक्चुअली जो लड़की वाला बिट है वो शूट होना शुरू नहीं हुआ। ओके। तो अभी वो फाइनल कर रहे हैं, इसलिए कि जो पहले मेरे साथ थी वो काफी स्टैब्लिश हीरो है, लेकिन वो थोड़ी जब स्क्रीन पे उनके साथ मेरा शूट हुआ तो वो थोड़ी बड़ी लग रही थी। तो अभी मतलब ऑन फोटो शूट हुआ था उनका, तो वो लुक टेस्ट हुआ तो वो थोड़ी सी बड़ी आ रही थी, तो प्रॉब्ली अब दे आर कास्टिंग सम न्यू गर्ल, तो देखिए कौन होता है। ये मुझे भी नहीं मालूम कि कौन। अच्छा मैम, मैंने सुना है कि आपने बहुत सारी फिल्मों को रिजेक्ट भी किया है, कहीं खबर सच्ची है ना? मेरा होमवर्क सही है? ये बिल्कुल खबर सच्ची है, और मैं बड़ा इस मामले में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे खुद किसी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी पड़ी। पाकिस्तान में रहते हुए जब मैं यहीं था, जब मैं बॉम्बे गया भी नहीं था, सबसे मुझे ऑफर्स हो रही थी, और अब जब मैं इंडिया गया तो वहाँ जाके मुझे तकरीबन 5-6 फिल्म्स मैं अभी मना करके आया हूँ, और सारी की सारी बहुत ही बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की थी। तो अभी थोड़े दिनों बाद जब मैं ऑफिशियल इसकी अनाउंसमेंट करूंगा तो आई डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन कौन सी फिल्म्स थी। आई डेफिनेटली टेल यू द नेम ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द प्रोडक्शन हाउसेस। वैसे मैं बात कहूँ आपसे इमरान जी, हम ना बहुत मिस कर रहे हैं, हमारी जो ऑडियंसेस है बहुत मिस कर रही हैं आपको टेलीविजन ड्रामों से। क्या कहते हैं? मैं बहुत बहुत टीवी को मिस कर रहा हूं, और मुझे बहुत याद आता है वो टीवी का वक्त जब मैं काम कर रहा होता था। लेकिन अच्छी बात है कि बड़े अच्छे अच्छे नए लोग भी आ रहे हैं, और बहुत से और भी जो मेरे साथ के एक्टर्स थे वो काम कर रहे हैं। मुझे वक्त नहीं मिला टीवी देखने का, लेकिन मुझे अंदाजा हुआ कि बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत पसंद किए जा रहे हैं,
तो अच्छी बात है। तो ये तो मतलब मैं वापस अब टीवी पे इस तरह एक लेवल आगे जाते हैं हमेशा, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कॉलेज करने के बाद अब दोबारा स्कूल में नहीं आते, तो मुझे नहीं लगता कि मैं टीवी शायद करूंगा। डेफिनेटली कोई बहुत अच्छा कोई बहुत एक्सेप्शनल प्रोजेक्ट हुआ तो मैं टीवी से अपना नाता नहीं तोड़ सकता, इसलिए कि ना पाकिस्तान से ना टीवी से, इसलिए कि उसी ने मुझे इतनी इज्जत दी और इतना नाम दिया है। तो मैं डेफिनेटली टीवी जरूर करूंगा। आप यकीन करें कि अभी मैं जब से आया हूँ कल 2 दिन हुए हैं और 2 दिन के अंदर अंदर मुझे तकरीबन 5 सीरियल्स ऑफर हुए हैं और सारे अच्छे थे, लेकिन मैं भी कर पा नहीं रहा हूँ सिर्फ टाइम की वजह से, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही मुझे कुछ वक्त मिला मैं डेफिनेटली टीवी जरूर करूंगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इमरान आपको पता है कि जब भी इमरान अब्बास जैज़ी के शो में आते हैं तो वो बगैर कुछ गाए गुए नहीं जाते। यार अभी तो बिल्कुल मूड नहीं हो रहा इमरान, आज तुम्हारा मूड ये शाम का वक्त है यहाँ तो मैं तो इमरान थोड़ा सा आने दें, थोड़ा सा आने दें, आने दूं। अच्छा आने दें, थोड़ा सा है ना, होना चाहिए, अब सुरों की बारिश तो हो ही रही है। Fabulous singer. ओ बलमा बैया ना धरो, ओ बलमा ना करो मोसेरा, बैया ना धरो, ओ बलमा ढल की चुनरिया तन से, ढल की चुनरिया तन से, तन से, तन से, आ ढल की चुनरिया तन से, हंसेंगी रे चूड़िया खन से, हंसेंगी रे चूड़िया छन से, छन से, हंसेंगी रे चूड़िया, मचेगी झनकार बैया ना धरो, ओ बलमा ना करो मुसरा। क्या बात है, फुल टाइम सुपर्ब था। थैंक यू इमरान, और आपको हम बहुत ज्यादा विश करते हैं ऑल द बेस्ट फॉर दिस मेगा इवेंट ऑफ द मूवीज, ठीक है? थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जिस तरह आप लोगों ने मेरे टीवी पे इतना प्यार किया और इतना ज्यादा पसंद किया, इसी तरह जब फिल्म आए तो आप लोग जरूर थिएटर तक आइएगा, देखने आइएगा, और मुझे आप लोगों का सपोर्ट और प्यार, अपने जितने भी पाकिस्तान से मेरे जितने भी फैंस हैं वो उनका मुझे मुसलसल प्यार और वो मोहब्बत की सप्लाई जब कांस्टेंट चाहिए, तो प्लीज डिसकंटिन्यू ना कीजिएगा उस चीज को। और आपने हमारे शो में कब आ रहे हैं? यार अभी तो मैं वापस जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम वापस आऊंगा तो डेफिनेटली। इमरान अब्बास यू रॉक बिग टाइम, थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड, थैंक यू, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ये थे इमरान अब्बास, क्या गाते हैं नहीं। और अभी हम थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, उसके फौरन बाद हुदा का परफॉर्मेंस नंबर 3 कमिंग योर वे। जैसी जो बोलता है क्या होता है, पाकिस्तान देखता है। टेक अ ब्रेक।